सब्सक्राइब करें आज का टीवी और बेल आइकन दबाना मत भूलें। मैं मजू इस वक्त ओ मंगे छोटा चौधरी पिंड से लड़की उठाकर ले गया है। तू चल मेरे साथ, सारे पिंड में बहुत परेशान है। अच्छा अच्छा चलता हूँ। जल्दी कर, बड़ी परेशानी है, जल्दी चल। अल्लाह सब गरम करेगा, मुझे कमीज तो पहनने दे, आ रहा हूँ। जल्दी पहन ले, जल्दी पहन ले। कौन? मैं मंगा। माफ करना मंगा भाई, पहचाना नहीं। बैठ। वो चौधरी साहब सोए पड़े हुए हैं। तू छोड़। मंगा भाई चौधरी साहब। चौधरी साहब। ओए मंगे, खैरियत तो है तू और इस वक्त? चौधरी साहब वो छोटे चौधरी साहब बस्ती से लड़की को उठा के ले गए। तो क्या हुआ, लड़का तो नहीं लाया ना? चल सुबह देखते हैं। नहीं चौधरी साहब, मैं उनको कह चुका हूं कि मैं लड़की को रात में वापस लाऊंगा। चल, अब तूने बोल ही दिया है तो फिर चल। अल्लाह के वास्ते मुझे जाने दो। छोड़ो नहीं, आज कहीं नहीं जाना है। छोड़ो मुझे, मंगे क्या कर रहा है तू? ये मेरा शिकार है। ये हाथ मंगे का नहीं, मेरा हाथ है। ये गिरेबान मंगे का नहीं, मेरा गिरेबान है। आइंदा कभी गलती से भी मंगे की तरफ हाथ बढ़ाया ना तो तोड़ के रख दूंगा। ए माजू, इस लड़की को लेके जा और बोल देना मंगे के सर का सदका है। मैं चलता हूं। नहीं रुक, तू अकेला नहीं आएगा, मैं देर साथ जाऊंगा। चौधरी साहब एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैं तो कहता हूँ मंगे की शादी करा दो, ऐसा ना हो सारे गांव की लड़कियां खत्म हो जाएं और मंगा ऐसे ही कुंवारा रह जाए। मंगा किसी लड़की पे हाथ तो रखे? ये जिस लड़की पे हाथ रखेगा मैं इसकी शादी उससे करवा दूंगा। बोल मंगे, किस लड़की से शादी करना चाहता है? चौधरी साहब मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मैं आपकी नौकरी में ही खुश हूँ। नौकरी? नौकरी की बात करते हो? तेरी साहब के सारे खजाने की चाबियां आपके पास हैं, और तो और छोटे साहब को कोई जानता ही नहीं है, सारे आपको जानते हैं। नौकरी की बात करते हो? थप्पड़ तो याद नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो छोड़ दो, याद करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मंगू के सामने तुम जीरो यानी सिफर सिफर हो। वाकई बेटा तो उसका तू है लेकिन अख्तियारात उसके पास हैं।
तुम्हारे बाप के कमरे की चाबी तक उसके पास है, लेकिन वहां मंगो जा सकता है, तू नहीं। थप्पड़ मेरे बाप ने नहीं, मंगे नहीं मारा है, और मैं बदला जरूर लूंगा। और खाना कहाँ है? सबर कर ले थोड़ा, तेरे बाबा का इंतजार कर रही थी। बाबा का इंतजार या मंगे का? अपनी जबान को लगाम दे, तेरे बाप ने सुन लिया ना तो जबान खींच कर तेरे हाथ में पकड़ा देगा। हाँ जी, खाना लगाओ, बहुत भूख लग रही है मुझे और मंगे को भी। जी बस लगवा रही हूँ, आप ही का इंतजार कर रही थी। अब चौधरी साहब, वो कुछ खरीदारी करनी थी, बाजार जाना था, थोड़ा घर का सामान है और कपड़े वगैरह है, मैं जाऊं? हाँ तू जाओ ना, रोका किसने? अच्छा सुनो, ये मंगे को अपने साथ ले जाना। ठीक है, फिर मैं तैयार होती हूँ। तो दो रखी थी, वो तीन कहाँ से आ गई? अच्छा हुआ। क्या हुआ बोलो? वो पैसे चाहिए, मंगे के पास पड़े हैं, ले लेना। आजकल इसका गुस्सा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? साथ ही क्यों? तूने कुछ नहीं देखा, तूने कुछ नहीं देखा। जानते थे, पता था तुझे, पता था तुझे। चाहती तो छोड़कर भी जा सकती थी, मगर नहीं गई। पता क्यों? क्योंकि जो धूलिय माशरा तेरे बाप के मुंह पर उड़ाता ना, हमारे चेहरों पर भी आकर गिरती। जिंदगी में समझौते करने पड़ते, इस सीने के अंदर राज दफन करते करते
इंसान एक कब्र बन जाता है। और मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं तुझे अपनी मुंह तक की कसम दे रही हूं कि जो तूने इस काली रात में देखा उसका जिक्र तू कभी अपनी जबान पर नहीं लाएगा। अगर तू मेरा बेटा है तो नहीं लाएगा। मंगे, बहुत कमजोर हो गया तू। देसी घी खाया कर, जान बना।